तो भूलते भुलाते हम पहुँचे थे कल सुरू रिवर के बैंक पे बेस्ड दी रॉयल कारगिल में, जिसमें आगरा के कुक के हाथ का लाजवाब खाना खाकर दिल खुश हो गया था। सो दोस्तों, अगली सुबह ग्रुप के साथ निकलने से पहले हम फटाफट नहा धो के निकल पड़े LOC व्यू पॉइंट देखने, क्योंकि ग्रुप अब रवाना होगी सीधे श्रीनगर की तरफ एंड LOC उल्टे रास्ते में था। एंड वीरभूमि पे जाके अगर हम ये एहसास भी ना करें कि कितनी शिद्दत से हमारे जवान हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो सिर्फ पहाड़ों एंड सुरू रिवर को देखकर कोई फ़ायदा नहीं। हमारा क्या है, 2 दिन के लिए आए, घूमे और निकल गए, पर यहाँ आने के लिए हम जो हिम्मत दिखाते हैं वो तो हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स की ही देन है, क्योंकि हम पर एक आँच भी वो नहीं आने देते और हम इसी वजह से बेफिक्र यहाँ आकर घूम कर चले जाते हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। तो हम फिलहाल LOC व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं एंड जहाँ सामने ये दोनों पहाड़ पे आमने सामने सोल्जर्स बैठे हैं, एक तरफ हमारे इंडियन सोल्जर्स एंड दूसरी तरफ पाकिस्तानी सोल्जर्स। हम ये व्यू एक टेलीस्कोप के हेल्प से देख रहे हैं, आप भी एक झलक देख ही लीजिए। ये जो सामने ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो पाकिस्तानी बंकर्स है एंड ठीक उसी के सामने हमारे इंडियन बंकर्स भी है। अच्छा, इस पहाड़ी के बाद पूरा पाकिस्तान है ना? तो ये तो था LOC व्यू पॉइंट की एक झलक। तो इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं कि आज के कारगिल से श्रीनगर तक के सफर पर हमारा ब्रेक पॉइंट कौन कौन सा होगा। पहला तो कारगिल वॉर मेमोरियल, उसके बाद सोना मार्ग की हसीन वादियाँ, जहाँ पहुँचते वक्त आपको ये रियलाइज होगा कि कब आप लद्दाख के ब्राउन माउंटेन से निकलकर खतरनाक जोजिला पास होते हुए कश्मीर की खूबसूरत हरी भरी वादियों में पहुँच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। कश्मीर अभी यहाँ से 199 किलोमीटर दूर है और हमारा ग्रुप हमसे कारगिल पेट्रोल पंप पे मिलता है। LOC से उतरकर ट्रैवलिंग का पहला काम जो हम आपको फिर से रिमाइंड करेंगे, टैंक फुल कर ले दोस्तों। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आज, क्या हो अगर टैंक फुल है पर बाइक की बैटरी काम ना करे। मोबाइल में और नेटवर्क तो है पर बैटरी 8% पर है एंड आपको होटल पहुंचने का रास्ता भी नहीं मालूम। तो बचता है मोबाइल का मैप, पर बैटरी तो 8% है और कवर करने हैं 80 किलोमीटर, कैसे चलेगा काम? तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे चलता है काम ऐसे सिचुएशन में। सिचुएशन से याद आता है कि कल जो हमारे दोस्त खो गए थे वो अब हमारे साथ चल रहे थे, क्योंकि ग्रुप में हम सबसे आगे चल रहे थे एंड इसी तरह से हमारे साथ वो रहेंगे तो शायद आज वो रास्ता ना भटके, इसीलिए हम दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। सो बातों बातों में हम पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल, जहां हम अपने इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी के किस्से पढ़ेंगे और उनकी अमर झलक देखेंगे। यहाँ घुसने से पहले आपको एक इंडियन सोल्जर गाइड करेंगे कि अंदर आपको कैसे बिहेव करना है। सो ध्यान से सुने कि वो हमें क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद जैसा जैसा वो इंस्ट्रक्ट करे बिल्कुल उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस भी फॉलो करते हुए हमें अंदर जाना है। सो कम विथ मी। कैप्टन
बोफोर्स को सारे When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. That's what I'm doing now. So, that's all for today, guys. So, milte aapse agle video mein, yani ki Kargil se Srinagar ke next part mein. So, stay tuned.